राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बैंक रोड स्थित अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज के साथ 5 अन्य बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली को मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली में लगभग 250 छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता रैली AD राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से निकलकर बैंक रोड होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः AD राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पर समाप्त हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को बताया गया, जिसके संबंध में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि आज संपत्ति में लड़कियों को समान अधिकार मिला हुआ है। यह जो सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसके लिए यह देश राजा राम मोहन राय का आभारी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारी सरकार में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, आपने देखा होगा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन शुरू किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक से काम किया गया। इससे बहुत सारे परिवर्तन लड़कियों के सामाजिक परिस्थिति में आए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा। शुभम करोति कल्याणम शत्रु बुद्धि विनाशाय प्यारे बच्चों, अभी हमारे माननीय अतिथि महोदय माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके विधायक था तत्कालीन प्रधानाचार्य ने, मुझे नाम तो उनका नहीं याद है, हम लोगों ने यहाँ अपनी विधायक नीति से पुस्तकालय का निर्माण कराया था। मुझे नहीं मालूम आज उसकी स्थिति क्या है, वो चलता है या नहीं है। आज पुनः दोबारा यहाँ आने का अवसर मिला है। विद्यालय में आना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि शिक्षा के बारे में कहा जाता है एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करता है। मैं यही डीएवी इंटर कॉलेज का छात्र हुआ करता था, आज ये डीएवी गर्ल्स की बच्चियां यहाँ बैठी, और जो कुछ मैंने छात्र जीवन में वहाँ सीखा था वो आज भी मुझे शब्दशः सब कुछ स्मरण है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई आपसे बांट नहीं सकता, इस पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। इसे जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, और दुनिया के सभी धनों में इसको सबसे महत्वपूर्ण धन और उपलब्धि कहा गया है। आगे निकलते रहो, अब घुमा लीजिए, वहीं घुमा लीजिए जिसे चाहते हैं। हाँ घुमा लीजिए, कैमरा फूट गया।
देखिए, राजा राम मोहन राय एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने पराधीनता के दौर में भी समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष किया। वो दौर भारतीय समाज का बड़ा काला चिट्ठा था। छोटी बच्चियों की शादी, लड़कियों की शिक्षा के प्रति विरोध, बहुविवाह की प्रथा, पति की मौत के साथ जिंदा जला देने की प्रथा, महिलाओं को किसी प्रकार की शक्ति न देना, संपत्ति में उनका अधिकार न होना और एक गुलामी का जीवन जीना। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की इस गुलामी की स्थिति को, उसका एहसास किया। उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं इस स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा, और उन्होंने किया। उनके प्रयासों से ही इस देश में सती प्रथा उन्मूलन कानून लागू हुआ। उनके प्रयासों से ही समाज में एक सोच में परिवर्तन आया, बाल विवाह में और बहुविवाह में, बाल शिक्षा में, बालिका शिक्षा में लोगों की सोच में परिवर्तन आया। और आज ये स्थिति है कि हम आज़ादी के 70 साल में गर्व के साथ कह सकते हैं कि जितनी शिक्षा बच्चों के पास है, करीब करीब उतनी ही शिक्षा बालिकाओं के पास भी है। आज भी मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होती है, लेकिन आज भी बाल विवाह की घटना अगर कहीं होती है तो अखबारों का हिस्सा बनती है, इतनी कम होती है। आज संपत्ति में लड़कियों को समान अधिकार मिला हुआ है, बहुविवाह जैसी प्रथा समाप्त हो चुकी है और सती का तो कोई नाम ही नहीं है। तो ये जो सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसके लिए यह देश डॉक्टर राजा राम मोहन राय का आभारी है, और उन्हें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब ये एक ऐसा लंबा विषय है जिसको बहुत समय लगेगा ये बताने के लिए, और ये सिर्फ मेरी ही सरकार नहीं है, हर सरकार में इसका प्रयास होता है। हमारी सरकार में विशेष रूप से प्रयास हुआ है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपने देखा होगा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन शुरू किया, महिलाओं का सशक्तिकरण करने का, एक जो सामाजिक दायरा परिवर्तित करने का और लोगों की सोच में सकारात्मक भाव लाने का ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। इससे बहुत सारे परिवर्तन लड़कियों और स्त्रियों की मनस्थिति में और सामाजिक परिस्थिति में आए हैं।